साथियों, जो आप यहाँ पे ये बिल्कुल ये बुशेस देख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता होगा कि शायद मैं कहीं आसाम में हूँ, दार्जिलिंग में हूँ, ये कोई चाय के बागात हैं। ये टी गार्डन नहीं है, ये हमारे कश्मीर में ही है। हमारे हाई आल्टीट्यूड्स में ये बुशेस होते हैं, इनको जूनिपर कहा जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वेटर कहा जाता है, वेटर वना छात, और अंग्रेजी में जूनिपर कहा जाता है। ऐसे भी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है, बहुत सालों से यहाँ पे है और इनके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और ग्रोथ ही बहुत रिटार्डेड होते हैं और ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन से बचता ही ये ज़मीन। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से स्नो जो स्टॉर्म्स आते हैं या स्नो स्लाइड्स आते हैं, लैंडस्लाइड वो रुक जाते हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये है। उसके अलावा जो यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, शेफर्ड्स होती हैं, वो इसमें फॉडर भी यूज करते हैं जलाने के लिए, वो इसका कोयला बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत दिन तक चलता है। देखिए आप पूरा अगर राउंड में कर सकेंगे दिखाएंगे, यहाँ से भी है ये, यहाँ से भी है ये, यहाँ से भी है। तो यही जो है इसके बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी थी। ये चाय के बागात नहीं है, ये जूनिपर है कश्मीर के अंदर, ये हाई आल्टीट्यूड से देखा जाता है। और हम इस वक्त दूध पत्री के आगे हैं, तकरीबन 3,700 मीटर की डिस्टेंस पे। सर वो देखिए कितने खूबसूरत फूल है ये इस वक्त, देखिए इसमें कितने खूबसूरत फूल भी हैं।